नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुद्दा का। मैं हूं नवजोत। आज पूरे उत्तर भारत में भूकंप आया जिसने एक बार फिर से लोगों को खौफजदा कर दिया है। उस पर हम विशेष कवरेज हमारी जारी है और शाम 5:30 बजे हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में अगर रिक्टर स्केल पर 7.5 का भूकंप आया तो क्या होगा हाल दिल्ली का। लेकिन पूरे उत्तर भारत में आए भूकंप के बाद संसद में भी एक भूकंप आया, एक भूचाल आया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने भूमि बिल पर सरकार पर जमकर हमला बोला। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का बयान और फिर हम देखते हैं कि कैसे हिला एशिया। काम नहीं चलने देंगे। कुछ समय पहले इकोनॉमिस्ट आए और वो सोवियत यूनियन पे काम करते थे। क्या शांति आई? वो सोवियत यूनियन पे काम करते थे तो उन्होंने और उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि चोर रात को 12 बजे रात को आता है, छुप के आता है और खिड़की के इकोनॉमिस्ट ने कहा, सोवियत यूनियन पे काम करते थे, उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि चोर रात को आते हैं, छुप के आते हैं, खिड़की के अंदर से कूद कर आते हैं, मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। दबे शब्दों में सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमला था ये राहुल गांधी का। बहरहाल, आज दोपहर करीब 12:30 बजे भूकंप ने एशिया को हिलाकर रख दिया। नेपाल में 29 की मौत हो गई, जबकि उत्तर भारत में 4 तो बिहार में उत्तर प्रदेश में 4 तो बिहार में 5 की मौत की खबर आ रही। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के कोडरा में था। अगले आधे घंटे में हम इस भूकंप पर बात करेंगे और शाम ठीक 5:30 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर इसी तरह का भूकंप दिल्ली में आता है तो क्या हाल होगा दिल्ली का, दिल्ली और एनसीआर की स्थिति क्या होगी, ये भी आपको हम बताएंगे। घड़ी में करीब 12:30 बजे थे, सब कुछ सामान्य चल रहा था, लोग घरों में या दफ्तरों में बैठे थे। ठीक 5 मिनट बाद अचानक से हिलने लगी धरती, कांप उठा पूरा उत्तर भारत, घरों से बाहर निकलकर भागने लगे लोग। चेहरों पर साफ तौर से देखा जा सकता था खौफ। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मच गया कोहराम। बिहार और उत्तर प्रदेश से आई मौत की खबरें, दिल्ली में बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। 2 से 3 की झटके जो तीव्रता है वो काफी दूर तक देखी गई। आज और आने की उम्मीद है क्या फिर से झटके वगैरह? निश्चित रूप से आफ्टर शॉक्स चलते रहेंगे, न केवल आज बल्कि आने वाले सप्ताहों और महीनों में। इसके बाद आने लगी अलग अलग जगह से खबरें। भूकंप का केंद्र था नेपाल का कोडरा, जहां जमीन के 15 किलोमीटर नीचे आया था भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 7.4। नेपाल की संसद में चल रहा था भाषण, जब हिलने लगी धरती तो भागने लगे सांसद। संसद के अंदर मच गई भगदड़। ये भूकंप सिर्फ नेपाल ही में नहीं आया, इसने अपनी जद में लिया अफगानिस्तान को, हिल गई इंडोनेशिया की धरती, कांप उठा चीन भी। अगले आधे घंटे हम बात करेंगे कैसे हिल गया एशिया। जी हाँ, कैसे हिला एशिया ये हम आपको बताएंगे और इसी भूकंप पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। परिचय आपका करा देती हूँ। नॉर्थ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद शर्मा जी, साथ ही साथ मौसम विभाग के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल HN श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं कई जगह ये भी पढ़ रही थी, ये कहा गया कि हालांकि पहले जो नेपाल में आया था भूकंप 7.9 का, उसके बाद कहा गया था कि 1 साल तक आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, लेकिन ये कहा गया कि ये आफ्टर शॉक नहीं था, ये एक भूकंप ही था अपने आप में। देखिए, जब 7.9 या 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप होता है
तो उसके आफ्टरशॉक खाली एक ही साल नहीं, कई साल चलते हैं जी। हालांकि बाद में उनका परिमाण या मैग्नीट्यूड कम होता जाता है और वो इतने भी छोटे हो सकते हैं कि शायद लोग फील भी ना करें, लेकिन वो कंटिन्यू करते हैं और हम लोग उनको साइस्मोग्राफ से रिकॉर्ड करते रहते हैं। इस केस में अगर वैसे देखा जाए तो 8 मैग्नीट्यूड के करीब का जो अर्थक्वेक होता है तो उसका फॉल्ट लेंथ लगभग 200 किलोमीटर होता है। आज का जो आफ्टरशॉक है, आज का जो अर्थक्वेक है, वो भी जो है उसके अंदर ही 200 किलोमीटर के अंदर ही हुआ है, तो ये किसी दूसरे फॉल्ट से जनरेट नहीं हुआ है, ये अलॉन्ग द सेम फॉल्ट है और इसको हम आफ्टरशॉक ही कहेंगे। हालांकि ये ज़रूर हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि इतने बड़े भूकंप के बाद खाली दो ही बड़े आफ्टरशॉक आए, 6.7 मैग्नीट्यूड के नियर अबाउट दो आए थे और बाकी उसके बाद काफ़ी छोटे थे, कोई 5.5 कोई 5, ज़्यादातर का। तो हम सोच रहे थे कि इतने बड़े 8 भूकंप के मुकाबले आफ्टरशॉक उतने ज़्यादा नहीं आए, लेकिन आज का जो आ गया तो उससे ये लगा कि मतलब तो अब इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस नहीं, ये आज का जो हुआ है तो आज का तो ये अब अपना एक सीरीज ऑफ आफ्टरशॉक जनरेट कर दिया। जैसे आपने देखा कि जब से ये हुआ है उतने कम टाइम में भी थोड़ी देर बाद ही एक 6 मैग्नीट्यूड का आ गया करीब, उसके बाद और उसके बाद, तो इसको हम सेकेंडरी आफ्टरशॉक कहते हैं। यानी इनको जो है ये जब मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं तो हम कहते हैं हाइपरबोलिक ला है आफ्टरशॉक का, कि वो डिक्रीज करता जाता है अभी टाइम से, लेकिन जब दूसरा एक आफ्टरशॉक बड़ा आ गया तो वो अपना सीक्वेंस जनरेट कर लेता है तो उसको सेकेंडरी आफ्टरशॉक कहते हैं। तो इस तरह अगर कोई बड़ा झटका आएगा तो वो उसका जो है एक सीक्वेंस दूसरा बन जाएगा, लेकिन तो ये अभी इसके झटके भी चलते रहेंगे और पहले वाले के जो आ रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। प्रोफेसर विनोद, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो केंद्र था वो वहीं पर था, कोडरमा के पास ही था, लेकिन 19 किलोमीटर धरती से नीचे की बात यहाँ पर सामने आई, तो ऐसे में जब 19 किलोमीटर जब इतने डीप में आता है तो नुकसान का लेवल जो है वो कितना हो जाता है? देखिए, अगर 20 किलोमीटर या उससे नीचे अगर होता है तो नुकसान कम होता है। ये भी ये तो 15, 19, 17 ये जो है ना ये छिछला ही कहलाता है। और इसमें जो जो आपने देखा ना कि इसके 1.5 घंटे के अंदर अंदर 6 आफ्टर शॉक, तो जितना ये छिछला होगा उतने आफ्टर शॉक जल्दी जल्दी आएंगे। और जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये सेकेंडरी शॉक्स कहलाते हैं, तो इनकी भी तीव्रता और ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि 7.9 में बहुत एनर्जी लिबरेट हो जाती है। ये तो एक बहुत ही अलग सी चीज़ हुई है कि उसके बाद में जो है और इतने दिन बाद एक 7.3 रिस्टर स्केल का भूकंप आया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अब इसके बाद में जैसे कि अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है कि अभी 1 घंटे बाद और आने वाला है, 2 घंटे बाद, तो मेरे ख्याल से उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इतना जरूर कहेंगे कि जितनी कमजोर इमारतें हैं उसमें लोगों को नहीं जाना चाहिए। देखिए, अभी तक ये था कि नेपाल में जो पहला जो भूकंप आया था तो उसमें कमजोर इमारतें जितनी थी वो सब गिर गई थी, जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग थी या मजबूत थी उनको कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज हमने देखा कि एक इमारत जो है नई बाजार में और उसमें भी गिरी है, जो कि मजबूत इमारत थी वैसे कायदे में कहने देखने में, तो यही इंजीनियर्स का के पूछे बिना या मतलब ना जान, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि ये मजबूत है मकान तो हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, ये सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें अच्छी बात एक ये हुई है कि अभी सब लोग ज़्यादातर जो है रिलीफ कैंप में हैं, कई मिलियन लोग जो हैं रिलीफ कैंप में नेपाल में हैं, तो वो सब मकानों से बाहर थे, अपने मकान जो वो अभी भी असुरक्षित, मतलब जान की उतनी हानि नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से लोग बाग बच गए हैं, और नहीं तो ये भी काफी बड़ा भूकंप है और इसमें मुझे ये भी लगता है कि अवलांचिस भी आ सकते हैं, चूंकि ये बिल्कुल एवरेस्ट के बेस कैंप उसमें के पास भी कई खबरें आ रही थी कि 15 से 20 अवलांचिस की भी खबर आ रही थी कि है, और उधर के तमाम रास्ते भी बंद किए गए हैं। नहीं नहीं, वो तो स्वाभाविक है क्योंकि ये जो है बहुत नजदीक है उससे, और पहले भी आपने देखा था कि जब पहला भूकंप था तो उसके बाद भी अवलांचेस काफी आए सारे आए थे, और ये तो बहुत नजदीक, उससे और नजदीक है, कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो इसलिए ये आशंका जरूर बनेगी कि भाई भूकंप के साथ साथ जो है अवलांचेस भी और ज्यादा आए। सतर्कता किस तरह की आपको लगता है वहां लोगों को बरतनी? देखिए, सतर्कता तो अब देखिए क्या हो रहा है कि लोग बाग सतर्क हो गए हैं, आपने खुद ही देखा बहुत सारे जो चित्र आप दिखा रहे थे, लोग बाग घबराए हुए हैं। तो एक तो यही देखना चाहिए कि भाई कुछ भी हो, अभी जब तक ये झटके लगातार आ रहे हैं
और जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा है कि ये तो आते रहेंगे, लेकिन अभी कम से कम एक दिन दो दिन जो है देखना चाहिए और जो कमजोर बिल्डिंग है उनमें दोबारा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आपको याद होगा 25 को जो भूकंप आया था उसमें जिस टाइम पर वो भूकंप था अगले दिन ठीक उसी टाइम एक आध घंटा आगे पीछे रहा होगा, लेकिन उसी समय और उससे थोड़ी सी कम तीव्रता का भूकंप था। तो ऐसे में आज वाले के बाद हम क्या आशंका ये जता सकते हैं, हालांकि ये एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता है कि उतना टाइम ड्यूरेशन पर एक आफ्टर शॉक आ सकता है। नहीं देखिए, जो एक अध्ययन हम लोगों ने किया था उसमें ये देखा था कि जो लार्जेस्ट आफ्टर शॉक है वो 25 यानी 50% केसेस में 24 घंटे के अंदर आ जाता है। तो पहली बार तो यही हुआ था, 24 घंटे तक लार्जेस्ट आफ्टर शॉक आ गया था। इस बार जो है 6 मैग्नीट्यूड का आ चुका है, तो 7.3 के हिसाब से जो आफ्टर शॉक, तो एक दो आफ्टर शॉक इससे 6.1 वगैरह के भी 6.2 के आ सकते हैं। तो आप कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे तो प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो भी काफी डैमेजिंग होता है। बिल्कुल, अगर 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 मान लिया प्रिकॉशन exactly. लिए जाए। और इसमें भी आप यही कहेंगे कि एक साल तक इस तरह के आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे? नहीं, वो तो वही सीक्वेंस तो सेम है, हम इसको अलग अर्थक्वेक नहीं मानते हैं। ये लार्जेस्ट आफ्टर शॉक है पहले वाले का और इसका सीक्वेंस अपना बनेगा, लेकिन ये दे विल कंटिन्यू। एक चीज और, तीव्रता जो है वो पहले भी एपिसेंटर जो है वो पहले भी नेपाल था और अब भी नेपाल है, क्या एपिसेंटर भी कभी बदल सकता है इसमें आफ्टरशॉक्स में, या फिर एपिसेंटर वही रहेगा? नहीं, असल में आफ्टरशॉक्स जो है वो जैसे अगर आप बांस का टुकड़ा, एक बांस लें उसको इस तरह से मोड़ लें और जब वो टूटेगा तो क्रैक्स उसके सब तरफ डेवलप हो जाएंगे। तो जमीन में जो फॉल्ट्स हैं, मेन फॉल्ट तो वो हमने बताया करीब 200 किलोमीटर का अगर है तो काफी सब्सिडरी फॉल्ट्स उसके स्लिपेज ऑफ रॉक्स से जनरेट हो जाते हैं, कुछ नए जनरेट होते हैं, कुछ पुराने और एडिशनल होते हैं। तो हर जगह रीएडजस्टमेंट चलता रहता है स्ट्रेसेस की वजह से, प्लेट मूवमेंट है और कंटिन्यूअस और वो स्ट्रेसेस का रीएडजस्टमेंट होता रहता है। तो इस हिसाब से जहाँ जहाँ होता है वो कंटिन्यू करता है, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रॉन्गर ऐसे हार्डर एरियाज हैं जिनको हम लोग एस्पेरिटी कहते हैं, जो लॉक जोन है, वो लॉक जोन जब ब्रेक होते हैं तो वो, अगर बड़ा लॉक जोन है तो बड़ा आफ्टर शॉक आता है, छोटा लॉग क्योंकि फॉल्ट इज नॉट होमोजेनस, वो काफी हेटरोजेनिटी उसमें होती है, तो छोटे छोटे तमाम एस्पेरिटीज ये इस तरह की होती है लॉग जोन्स। चलिए दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अभी अभी जो खबर आई है वो ये है कि नेपाल में जो डेथ टोल है वो 36 तक पहुंच चुका है। हालांकि वहां पर 25 अप्रैल को जो भूकंप आया था उसके बाद से राहत और बचाव कार्य वहां पर चल रहा है, और जैसे कि प्रोफेसर विनोद शर्मा भी बता रहे थे कि ज्यादातर लोग जो हैं वो टेंटों में हैं, इसलिए जान का नुकसान यहां पर कम हुआ है, फिर भी 36 लोगों की मरने की खबर आ रही है नेपाल में। प्रोफेसर शर्मा, मैं यहां पर एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। अब लोगों के जहन में डर है, ज्यादातर लोग टेंटों में, लेकिन अपना आशियाना हर कोई बनाना चाहेगा, ऐसे में हालांकि वहां पर राहत का काम पूरी तरीके से चल रहा है, तो कैसे स्टेप्स अब आगे उठाए जाने चाहिए, किस तरीके से बिल्डिंग्स बननी चाहिए और कब, क्योंकि ऐसा ना हो अब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, आफ्टर शॉक आया तो वो भी तबाह हो सकती है उसमें। देखिए तीन चीजें, अभी आज की तारीख में सबसे पहले तो हमको जो है सर्च एंड रेस्क्यू फिर शुरू करना पड़ेगा, चूंकि बहुत सारी लैंडस्लाइड हुई है, गांव जो जो एरिया प्रभावित हुआ है वो गांव का है, ज़्यादातर गांव है, छोटे छोटे गांव हैं, 60 घरों के, 70 घरों के, और उनमें काफ़ी तबाही हुई है। तो अभी एक तो सर्च एंड रेस्क्यू कंटिन्यू करेंगे, फिर रिलीफ काम ये चल ही रहा है जो कोऑर्डिनेशन UN एजेंसीज कर रही हैं, और तीसरा जो आपने रिहेबिलिटेशन की बात कही, तो एक तो देखिए टेम्परेरी शेल्टर्स वगैरह हैं, ये हुआ है, लेकिन जो परमानेंट जो रिहेबिलिटेशन है वो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, और उसमें वक्त भी लग सकता है, उसमें नहीं नहीं टाइम नहीं, उसमें देखिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इनको मकान बनाने पड़ेंगे। एक ये उदाहरण लेना पड़ेगा कि भाई अब जो जितने भी मकान बने, जैसे हमारे सिक्किम में हुआ, सिक्किम में हमने जो रिहेबिलिटेशन किया 2011 के अर्थक्वेक के बाद में, जितने भी मकान सरकार ने बनवाए ये उद्देश्य रखा कि भाई एक भी मकान जो है अर्थक्वेक ऐसा नहीं होगा जो अर्थक्वेक से प्रभावित होगा जी। तो ये चीज होनी चाहिए और लोगों को ये जानकारी दी जानी चाहिए कि भाई आप किस तरह का मकान अवेयरनेस बहुत जरूरी है वहां पर, मुझे लग रहा है इसके बाद भी लोग काफी अवेयर हो गएंगे। मनोज सिंह हमारे समाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिलहाल नेपाल से जो खबर आ रही है 36 लोगों के मरने की खबर है। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे पिछले अर्थक्वेक में आप भी वहां पर मौजूद थे, आप देख रहे थे वहां पर किस तरीके के हालात हैं, कैसे वहां पर काम चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो ये खबर आ रही है वाकई एक बड़ी
झटके वाली खबर है वहां के लोगों के लिए और राहत बचाव के कार्य जो चल रहे हैं वहां पर उनके लिए भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अभी दो हफ्ते ही हुए थे कि जब वो पिछला भूकंप आया था 25 तारीख को वहाँ पर नेपाल में, और करीब 8,000 लोगों की उसमें जान गई थी और करीब 15-16,000 लोग अब तक घायल हुए थे। अभी जो हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, जो हमने नेपाल में आधिकारिक आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं आज के भूकंप के बारे में, उसमें करीब 36 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 1,000 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो एपी सेंटर है वो बिल्कुल हिमालयन माउंटेन के पास में है, चाइना बॉर्डर के पास में है, इसलिए उसके आसपास के जो गाँव हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। आपको यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले भूकंप में जो दो हफ्ते पहले आया था, सारी सड़कें, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर बर्बाद हो चुका था, लोग पहुँच नहीं पा रहे थे वहाँ पर, और इस वक्त अब दूसरे भूकंप के झटके के बाद उन इलाकों तक पहुंच पाना जो काठमांडू से करीब 250 किलोमीटर दूर हैं, 100 किलोमीटर दूर हैं, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरा पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भूकंप आने के एक हफ्ते बाद ही पिछली बार नेपाल सरकार ने तमाम सरकारों को, तमाम राहत एजेंसियों को जो दूसरे मुल्कों से आई थी, जो भारत से भी गई थी, उनको वहाँ से हटा दिया था। तो इस वक्त फौरी तौर पर उनको राहत देने के लिए कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बहुत ही मतलब मुश्किल वाली बात है इस वक्त नेपाल सरकार के लिए वहाँ पर। मेरी जो बात हुई वहाँ पर अपने सूत्रों से, जिनसे जिनके साथ हम लगातार टच में थे, उनका ये कहना है कि इस वक्त पूरा काठमांडू शहर, क्योंकि अभी जो बातचीत हो पा रही है वो काठमांडू से ही हो पा रही, काठमांडू शहर पूरा सड़कों पर है, लोग घरों में नहीं हैं, लोग अपने परिवार के सहित सड़कों पर हैं या तो फिर टेंट में वापस आ गए हैं। तो ये हालात है वहां पर, क्योंकि अभी वो पिछले सदमे से उबर ही नहीं पाए थे, उस आफ्टर शॉक से उबर ही नहीं पाए थे कि आज एक भूकंप का झटका, भूकंप का झटका 7.3 रिक्टर स्केल पर, और उसके बाद लगातार 6 आफ्टर शॉक्स, और जो एक आफ्टर शॉक आया था वो 6.3 का था। तो ये बहुत दिल दहला देने वाली बात है नेपाल के लोगों के लिए, खासकर जो काठमांडू से जो हमें खबरें आ रही हैं वहां पर। मनोज आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वहां पर गए थे, बता दें हमारे खास मेहमान भी मौजूद है दर्शकों को हमारे साथ, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले भूकंप के दौरान पूरी कवरेज मनोज ने वहां से की थी और एक एक पल पल की जानकारी मनोज वहां से हमें दे रहे थे और वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ भी है। मनोज मैं लौटूंगी आपके पास, मैं मनोज जी आपसे जानना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, एक और मैं सवाल एड ऑन करना चाहूंगी। मनोज ने यह कहा कि नेपाल सरकार ने तमाम जो सुरक्षा एजेंसी जो वहां पर गई हुई थी, राहत कर्मी वहां पर गए थे, उन्हें वहां से हटा दिया, अब इसके बाद इतना बड़ा झटका है, अब जाहिर सी बात है कि वहां पर राहत के कार्यों में दिक्कतें तो आएंगी। नहीं देखिए, एनडीआरएफ ने, हमारे भारत की एनडीआरएफ वहां पे गई थी, जिसने वहां पे बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है, और हमारा कहना यह है कि नेपाल पुलिस, नेपाल आर्म पुलिस, नेपाल आर्मी, उनकी भी ट्रेनिंग वही है जो हमारी एनडीआरएफ की ट्रेनिंग है, तो इन दोनों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। तो मेरा कहना यह है, जैसे कि हमारे डीजी एनडीआरएफ ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, कि अगर उनको जरूरत हो तो फिर हमारी एनडीआरएफ जाने के लिए तैयार है, और जिस तरह से उन्होंने पहले बहुत ही अच्छा काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि एनडीआरएफ अगर कुछ टुकड़ियां फिर चली जाएंगी तो वो बहुत बड़ी सहायता होगी। जहां तक इनका रेस्क्यू के बाद में जो रिलीफ वाली जो बात है, ये भी कंटिन्यूअसली चलेगा, चूंकि बहुत से लोग जो हैं वो टेम्पररी शेल्टर में ऑलरेडी हैं, तो अभी दो तीन चीज साथ साथ इन्हें पैरेलल चलानी पड़ेंगी, सर्च एंड रेस्क्यू, रिलीफ और टेम्पररी एंड परमानेंट रिहेबिलिटेशन। तो ये सारी चीज जो है, तो इसलिए बहुत मुश्किल का काम जो है नेपाल के लिए, और आज के झटके के बाद और ज्यादा बढ़ चुके हैं। मनोज हमारे साथ मौजूद है, मनोज यहाँ पर विनोद जी कह रहे हैं कि अगर वहां से सहायता की मांग की जाती है तो एनडीआरएफ की कुछ और टुकड़ियों को वहां पर भेजा जा सकता है, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं अभी? देखिए, अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक सरकार की ओर से कोई रिक्वेस्ट तो अभी तक नहीं आई है, मेरी जानकारी के मुताबिक। नेपाल सरकार इस वक्त क्या सोच रही है ये भी हमें नहीं पता है इस वक्त, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे में सिर्फ नेपाल आर्मी या नेपाल की पुलिस वहाँ पर या उनकी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो कुछ काम कर पाएँ, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी पिछला जो राहत और बचाव का कार्य था वही लगभग पूरा नहीं हो पाया था, और सबसे बड़ी बात है कि जो आने जाने के जो रास्ते हैं काठमांडू से, आप 50 या 25 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कहीं जाना चाहें आज की तारीख में, तो आपको 4-4, 6-6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं। तो अब जो ये नया भूकंप आया जो काठमांडू से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है, और वो भी माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल नीचे जिसका एपी सेंटर है, उसके आसपास जो पहाड़ में गाँव है,
वहां तक पहुंचना मुझे नहीं लगता कि इस वक्त किसी के लिए संभव है। मनोज, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर विनोद जी भी यही बता रहे थे कि कुछ एवलांचेस के भी आने का खतरा है। आपको याद होगा पिछली बार भी इस तरह की स्थिति वहां पर हुई थी जब कई लोग एवरेस्ट पर भी फंस गए थे, उस बारे में कोई जानकारी अगर आप दे पाए, आपके सोर्सेस से कहीं बात हो पाई हो वहां पर? अभी तक ऐसी कोई जानकारी पक्के तौर पर नहीं है कि कोई एवलांचेस आए हों हिमालयन रीजन में, वहां पर पहाड़ों में जहां पर बर्फ है। लेकिन हाँ, जो पहाड़ टूटने की जो घटनाएं हैं, जो जिस तरह के आप आसपास जो पहाड़ियां टूट के गिरती हैं, वो जरूर हो रहा है। 3-4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, कुछ वीडियोज भी उसके आ रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक स्पेसिफिक जानकारी नहीं आ पा रही कहां पर कितना नुकसान हो पाया, क्योंकि सरकार के लिए भी ये जान पाना बहुत मुश्किल है। फिर मैं बार बार बता दूं कि ये जो इलाके प्रभावित हुए हैं, करीब एपी सेंटर से करीब 50-60 किलोमीटर के रेडियस में पूरा इलाका जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत ज्यादा था, 7.3 का जो एपी सेंटर था जहां पर कि ये भूकंप आई, जिसकी तीव्रता 7.3 मापी गई है, उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में इसका जो है इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। और इसका इम्पैक्ट जो काठमांडू पे था वो करीब 6.3 रिक्टर स्केल पे था। तो आप सोचिए, काठमांडू में अगर 6.3 है और एपी सेंटर के पास 7.3 बताया जा रहा है, तो आसपास के जो गांव हैं, जो पहाड़ों में हैं, जहां पर आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं 50 लोगों का, कहीं 100 लोगों का, कहीं 15 लोगों का गांव होगा, लेकिन वहां तक आने जाने का कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, पगडंडियों से आपको जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो वहां से जानकारी आनी भी मुश्किल है। मुझे लगता है इस बारे में जो सही बिल्कुल पुख्ता जानकारी आ पाएगी वो कम से कम अगले 24 घंटे बाद ही हमको इस बात का अंदाजा लग पाएगा कि कितना बड़ा नुकसान इस दोबारा नए भूकंप में हुआ है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। एक आखिरी सवाल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी इस तरह का भूकंप आता है, हालांकि दिल्ली भी हिली है, दिल्ली भी उसी जोन में आती है, सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा घबराहट दिल्ली के लोगों में होती है क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, प्रिकॉशंस यहां पर कैसी लेनी चाहिए? यहां पर तो यही है कि अगर भूकंप फील होता है, एक तो मैं ये बता दूं कि जो टाल बिल्डिंग्स हैं वो दूर के अर्थक्वेक में ज्यादा हिलती हैं, तो इसलिए उन लोगों को तो बहुत ज्यादा जल्दी पता लग जाता है। जैसे मतलब अगर इस तरह से जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाएंगे वो कंपन और कंपन ज्यादा होता है जी, तो इसलिए ऊपर की मंजिल वालों को तो बहुत जल्दी पता लग जाता है। लेकिन जो यूजुअल प्रिकॉशन है वो यही है कि कम से कम टाइम में बाहर हम लोग निकल जाएं, और या कोई के नाम जहाँ पिलर्स वगैरह बने वहाँ कोने में खिड़कियों शीशे खिड़कियों से दूर थोड़ा खड़े हो जाएं, या हेवी कोई टेबल या कोई चीज है उसके नीचे सर बचा करके रखें, जो प्रिकॉशंस हम अक्सर बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों यहाँ पर आए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नेपाल की संसद की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, पटना, लखनऊ की ये तस्वीरें बता रही हैं, जब प्रकृति नाराज होती है तो इंसान कितना छोटा नजर आता है। नेपाल के कोडारी से उठे जलजले ने भारत तक को हिला दिया। नेपाल से लेकर भारत के बड़े हिस्से में लोगों के दिल कांप गए। नेपाल से आई जरा इन तस्वीरों को देखिए। देश का कानून बनाने वाले, देश का भविष्य तय करने वाले किस कदर घबराए हुए हैं, जलजले के खौफ से वो किस कदर भाग रहे हैं। नेपाल में हर तरफ पदहवासी थी, सड़क पर चीख पुकार मची थी। पहली तस्वीरें राजधानी काठमांडू से आई। दोपहर के 12:35 हुए थे नेपाल के कोडारी में सतह के 15 किलोमीटर नीचे से उठे जलजले ने, जिसकी तीव्रता 7.4 थी। कुछ देर बाद इंडोनेशिया का सिनगसारी सतह से 30 किलोमीटर नीचे 5.1 की तीव्रता से आया भूकंप। इसके बाद कांपा अफगानिस्तान का यांगी कला सतह से 10 किलोमीटर नीचे, तीव्रता 4.7। एक बार फिर से हिला नेपाल का रमेछम सतह से 15 किलोमीटर नीचे, जिसकी तीव्रता थी 6.3। फिर कांपा चीन का झाउबुन, यहां थी तीव्रता 5.4, सतह से 15 किलोमीटर नीचे। जब कांप रहा था नेपाल, हिल रहा था चीन, खौफ में था अफगानिस्तान, उसी वक्त इंडोनेशिया के सोमलाकी में सतह से 154 किलोमीटर नीचे 5.4 की तीव्रता से हिलने लगी धरती। हिल गया लगभग पूरा एशिया। इंसान की बनाई इमारतों को भूकंप ने एक बार फिर से हिला दिया। जमीन के अंदर से आए जलजले ने इमारतों में एक बार फिर से दरार पैदा की। लोग एक बार फिर खौफ से भागने लगे।
चेयर पे बैठे थे, एक लड़का है बाकी क्लास में से कि भूकंप आ रहा है, हम सोचा मजाक कर रहा है, देखा तो सच में आ रहा था। काफी देर तक आया फोटो, हमारी चेयर्स वगैरह पानी की बॉटल रखी हुई थी वो सब हिल रहा था, एकदम ऐसे हिलने सा लग गया था बस। कुदरत के कोप ने लोगों को खौफ ज़दा कर दिया। नेपाल में फिर गिरी इमारत, एक बार फिर से सड़कों पर जान बचाने दौड़ पड़े लोग, लेकिन ये चीख पुकार, ये बदहवास, ये बेबसी, मौत का ये मंजर सिर्फ नेपाल तक ही नहीं था, भारत पर भी इसका भयानक असर हुआ। नेपाल के कोडारी में रिक्टर स्केल 7.4 पर आया भूकंप भारत की राजधानी दिल्ली को भी हिला रहा था। भारत के कई राज्य इस भूकंप से पूरी तरह से प्रभावित हुए। बिहार और उत्तर प्रदेश से आई मौत की खबर, जबकि दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन भारत में भूकंप ने सबसे ज्यादा खौफ दिल्ली एनसीआर में फैलाया। 1.5 करोड़ की आबादी वाला ये शहर अपने अव्यवस्थित विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ की घनी बस्तियों में एक दूसरे से सटे कच्चे पक्के मकान, ऊंची बिल्डिंग लोगों को डराती है। सवाल ये है कि अगर ऐसा ही भूकंप दिल्ली में आया तो क्या होगा? क्या होगा अगर भूकंप के खतरनाक जोन में आने वाले दिल्ली पर 7.4 रिक्टर स्केल के भूकंप का कहर टूटा? क्या दिल्ली संभाल पाएगी खुद को? देखिए दिल्ली कैसे निपटेगी 7.4 के कहर से। जी हाँ, भारत में अब तक भूकंप से 17 लोगों की मौत हो गई है, बिहार में 16 तो यूपी में एक शख्स की जान गई है। 17 मौतों की खबर से पूरा देश सन है। अभी 17 दिन पहले ही नेपाल में आए एक जलजले ने वहां भयानक तबाही मचाई थी। आज भी नेपाल में 36 लोगों की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के इन झटकों ने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर को खौफजदा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कैसे निपटेगी देश की राजधानी दिल्ली 7.4 की तीव्रता के कहर से, उस कहर से जिसने पूरे एशिया को हिला दिया। पिछले महीने की 25 तारीख को जब नेपाल में सैकड़ों लोगों की जान गई थी, क्या होगा जब रिक्टर स्केल पर 7.4 पर कांपेगी दिल्ली? क्या दिल्ली बनाने वालों ने कभी इसके बारे में भी सोचा है? देश की राजधानी दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर, काठमांडू से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर आया भूकंप, देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पहला झटका 12:35 पर महसूस किया गया। इसके कुछ मिनट बाद फिर से आया भूकंप, खौफजदा लोग तेजी से अपने घरों से बाहर भागते नजर आए, मेट्रो की रफ्तार थम गई। जब हम अपनी सीट पे थे तो इतनी जोर से चेयर हिलने लगी तो एकदम से हम बाहर आ गए। सीट पे थे और जग एकदम पानी हिलने लग गया जोर से, तो एकदम फिर उठ के बाहर आ गए। दिल्ली के आसपास के इलाकों, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे इलाकों में भी खौफ फैल गया। यहां आसमान छूती इमारतें हैं, इमारतों की ऊंची मंजिलों पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने इन ऊंची इमारतों को ऐसे हिलता महसूस किया मानो कोई उसे जोर जोर से झिझोड़ रहा हो। दिल्ली ने अक्सर ऐसा खौफ देखा है लेकिन इस बार इसकी मियाद बढ़ गई। दोनों बार जब भूकंप आया तो ये तकरीबन 1 मिनट तक महसूस किया गया, लोगों के सर चकराने लगे। बहुत ज्यादा ही मतलब एकदम से सिस्टम, हम काम सब छोड़ के बहुत ज्यादा मतलब भयंकर था एक्सपीरियंस। उस दिन से ज्यादा तेज मतलब लगा हमें, जैसे ऐसे हिलने लगा पूरा, कुर्सी हिलने लगी, कंप्यूटर हिलने लगे। दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को बाहर निकाल कर बैठा दिया गया। प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुला ली। अफसरों ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अस्पताल, दमकल विभाग और तमाम दूसरी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी हालात से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई। सरकार ने लोगों से शांत रहने की अपील की। घर पे नहीं जा रहे लोग, ऐसा लग रहा है कि दोबारा कुछ तो नहीं, 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 यहाँ पर किसी को पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई संकट नहीं है। गृह मंत्री भले ही शांति की अपील कर रहे हो लेकिन असल सवाल अभी भी कायम है। क्या इस बुरी तरह से अस्त व्यस्त दिल्ली और उसके आसपास के इलाके 7.9 की तीव्रता का भूकंप सह पाएंगे? क्या सरकारों ने कभी ये सोचा है कि अगर इस तरह का भूकंप दिल्ली में आया तो क्या होगा? क्या दिल्ली इस तरह के भूकंप के लिए तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
वैसे ये सब सोचने की सरकार को तो जरूरत है, लेकिन हम और आप लोगों को भी जरूरत है जो कि हम राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आए दिन इस तरह की इमारतें खड़ी होती रहती हैं और कोई भी यहां पर बोलता नहीं। सवाल बड़ा यही है कि क्या दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को डरने की जरूरत है या नहीं है, क्या यहां वो तबाही नहीं आ सकती जो नेपाल में आई है, और क्या दिल्ली और उसके आसपास के इलाके 7.4 तक का भूकंप आया तो सह पाएंगे इसे या नहीं। दिल्ली को भूकंप से डरने की जरूरत है, दिल्ली के आसपास के इलाकों को भूकंप से डरने की जरूरत है, दिल्ली में इन घटिया निर्माण सामग्री से बने ईंट के मोहल्लों को डरने की जरूरत है। क्या रिक्टर स्केल पर 7.5 तीव्रता का भूकंप भी 60% दिल्ली को तबाह कर सकता है? ये सच हो सकता है क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके भूकंप के लिहाज से देश के दूसरे सबसे खतरनाक जोन में आती है। ऐसी संभावनाएं जताई जाती हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कम से कम 7.5 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप तो आ ही सकते हैं। इस कदर हालत खराब है दिल्ली की, यदि देखा जाए बाई चांस खुदा ना खास्ता इतना भूकंप आ गया जो कि आपका नेपाल में है तो बहुत ज्यादा आफत होगी एंड 2/3 पॉपुलेशन काफी खराब काफी परेशान होगी, कोई डाउट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। इतना बड़ा भूकंप कब आएगा ये कोई नहीं जानता, जानकारों की माने तो ये कल भी आ सकता है, 10 साल बाद या 20 साल में भी आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा दिल्ली में बहुत बड़ी तबाही मचेगी। भूकंप के लिहाज से पूरे देश को कुल 5 जोन में बांटा गया है। 5वें जोन में आने का मतलब सबसे खतरनाक भूकंप आने की संभावना। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके 4थे जोन में आते हैं, यानी खतरनाक भूकंप यहां भी आ सकते हैं। जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में 91.7% मकान पक्की ईंटों के बने हुए हैं, जबकि 3.7% मकान कच्ची ईंटों के हैं। लेकिन लुटियन जोन को छोड़ दें तो ज्यादातर इलाके बेहद घने हैं, गलियां संकरी हैं और निर्माण बेहद घटिया है। और NDMA के रिसर्च के मुताबिक 90% से ज्यादा इमारतें 6 रिक्टर स्केल से तेज भूकंप झेलने की ताकत नहीं रखती। अगर दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी बड़े शहर में जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं अगर वो सेफ हुए हैं, अगर वो बिल्डिंग कोड्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनको फॉलो किया गया है, तब तो वो भूकंप के झटके को सह पाएंगे। जानकारों का मानना है कि अगर 7.5 तीव्रता का भूकंप भी दिल्ली में आया तो महज 40% दिल्ली बच पाएगी। यही हाल दिल्ली के आसपास यानी गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा जैसे इलाकों का भी है। यहाँ भले ही गगनचुंबी इमारतें बन गई हैं, लेकिन वो मानकों पर कितनी खरी उतरती हैं उस पर सवाल है। कई इलाकों में तो दलदली जमीन पर भी इमारतों का निर्माण कर दिया गया है। जाहिर है दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को डरने की जरूरत है, लेकिन इस डर का खात्मा कैसे होगा ये और बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।